आनंदपुर साहिब से अब हम जा रहे हैं जी गुरुद्वारा विभोर साहिब। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने चौपाई साहब का उच्चारण किया था। विभोर साहिब कहना दोस्तों आज जी दोस्तों तखत केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब से हम 24 किलोमीटर यहाँ चल के आए हैं टूवर्ड्स नांगल डैम। सतलुज के किनारे बना हुआ है, ये आगे आपको व्यू दिखलाता हूँ। बहुत ही शांत जबरदस्त व्यूज है, पीछे मेरे ये रिवर है। मैं कैमरा चेंज करके आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराऊंगा और कुछ इतिहास के बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये गुरुद्वारा साहब की यहाँ से एंट्री है जहाँ से अभी आए हैं, और सबसे पहले जोड़ा घर और उसके साथ कड़ाह प्रसाद इत्थे लवो जी। गुरुद्वारा श्री विभोर साहिब पातशाही दसवीं इस पवित्र स्थान से चौपाई साहब जी का उच्चारण किया सी। ये है जी गुरुद्वारा विभोर साहिब। करो हाथ से रक्षा पूरण करे चित की इच्छा, ये चौपाई साहब के अंकि है जी। और अपने आप में गुरुद्वारा साहब के इम्पोर्टेंस के अलावा सीनरीज बहुत जबरदस्त है। ये मैं दिखा रहा हूँ जी आपको कैमरा घुमा के, ये बाकी हमारे परिवार वालों का फोटो सेशन चल रहा है, फोटो शूट चल रहा है, और साथ में मैं पीछे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सतलुज रिवर के किनारे पहाड़ियों के बीच में गुरुद्वारा विभोर साहिब। इंसिडेंटली क्योंकि ये थोड़ा हाईवे से साइड में पड़ता है तो लोगों का यहाँ विजिट करने का मौका कम मिलता है, और काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं है, पॉपुलर इतना नहीं है। रीज़न बिंग की कनेक्टिविटी जो है एज ऑफ नाउ कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम अपने व्हीकल से आए थे तो हमने बहुत अच्छी रास्ते में भी बहुत जर्नी एंजॉय की है। गुरुद्वारा साहब का इतिहास ही हम जानने की कोशिश करेंगे अपने परिवार के थ्रू। बोलो जी। इतिहास गुरुद्वारा विभोर साहब, राजा रतन राय की बेनती प्रवान करके इस स्थान उत्ते श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कई महीने विराजे सन। सम्मत 1753 भादरों सुधी अष्टमी एतवार वाले दिन कलगीधर पातशाह जी ने सतलुज के कंडे इस पवित्र स्थान से चौपाई साहब जी का उच्चारण किया। संबत 1753 अर्ध सहस पुन तीन कहीजे पादरो सुधी अष्टमी गंदवारा तीर सत्रदेव ग्रंथ सुधारा। इस स्थान नंगल डैम सतलुज दरिया की झील के किनारे उत्ते स्थित है। और पीछे जो है एक और गुरुद्वारा साहब है, ये थोड़ा मैं ये इसका इतिहास मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नज़ारे बहुत जबरदस्त हैं। इतनी दिल इतना प्रसन्न हो गया ना कि बयान करना मुश्किल हो रहा है। गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं जी अब गुरु का लंगर आगे है जी, वे लंगर हाल हम जाएंगे जी अभी वहाँ। ये है जी विभोर साहब के गुरुद्वारा साथ का साथ ही दीवान हाल, बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है जी। अभी तो कोई प्रोग्राम है नहीं, स्टेज खाली है, तो लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम होता होगा तो यहाँ काफ़ी बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाती है। यहाँ गुरु का लंगर, लंगर भी जान तो पहला सिर ढक के ते जुराबा उतार के जाओ जी। मतलब गुरुद्वारा साहब के लंगर में जाना है तो सिर कवर करके जाना है और जुराबे उतार के जाना है।
कि अब हम पहुंच चुके हैं जी गुरुद्वारा साहब के लंगर हाल में। अभी तो ये प्लेट्स खाली हैं और ये सेवादार जी देंगे लंगर, और ये संगत जो है पंगत लगा के लंगर छक रही है गुरुद्वारा भी बोर्ड साहब में। लेकिन ये चीज़ मैं दिखाना ये चाहता हूँ, ये गुरमुखी में लिखा हुआ है झूठा ना छड़ो। ये सारी संगत से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि झूठा नहीं छोड़ना, जितना झूठा है उतना ही लीजिए, वेस्ट मत कीजिए। तो दोस्तों लास्ट में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस गुरुद्वारा साहब में रहने की बहुत उत्तम व्यवस्था की गई है। एसी नॉन एसी रूम सब मिलते हैं और टॉयलेट्स भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हाईएस्ट लेवल का यहाँ अरेंजमेंट है। तो जब भी आप अनंतपुर साहब आएँ तो इस गुरुद्वारा साहब को ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।